झारखंड की संस्कृति सभ्यता से अगर कोई भी अगर खिलवाड़ करेगा तो सबसे पहले तो हम बता रहे हैं उठा उठा के पहले पटकेंगे हम, काहे कि झारखंड की संस्कृति सभ्यता, झारखंड मेरा मातृभूमि है, इसी राज्य में मैं जन्म लिया हूँ। पहली प्राथमिकता होगा कि झारखंड में झारखंड की संस्कृति चलेगा, ना कि प्रवासी है उन लोग को मैंने झारखंड से मुक्त करने का समय आ गया है। और अभी जो भी बयानबाजी सामने आ रहे हैं आज कहीं ना कहीं उन लोग मानसिक स्थिति मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, क्योंकि ये जो भीड़ और ये जो आंदोलन और इतने जो झारखंडी जनमानस का उमड़ा जन सैलाब, कहीं ना कहीं एक गवाह मिल रहा है कि आने वाला दिन में एक नव झारखंड बनेगा। इस तरह का मैंने पागलों जैसा हरकत जैसा एक बयानबाजी कर रहे हैं, इतना अनपढ़ गवार मैंने झारखंड में इस संस्कृति को धूमिल कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। किसी के बाप का राज है क्या झारखंड में कि कोई भी लैंग्वेज को घुसा देंगे आप सरकारी दस्तावेज में? झारखंड है, सिर्फ झारखंड की कला संस्कृति का उत्थान होना चाहिए, ना कि प्रवासी। इस वक्त झारखंड के धनबाद जिले में हूँ और मैं आपको बताते चलूँ कि ये जो चौक है, ये चौक कहाँ पे है मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। ये जो रोड है बरवड्डा की ओर चली जाती है और दूसरी ओर अगर इस रोड की मैं बात करूँ तो ये भुल्ली की ओर चली जाती है और ये बरवड्डा और भुल्ली के बीच ये स्थित है। यहाँ पे विनोद बिहारी चौक, ये विनोद चौक के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि मैं आपको बताते चलूँ कि झारखंड में पिछले 2 सालों से झारखंड की सभ्यता संस्कृति को जगाने के लिए हमारे झारखंड के एक ऐसे माटी पुत्र जो पिछले 2 सालों से लगे हुए हैं झारखंड के सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए, आज मैं उनकी बात करूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से वो अपने खून पसीने से झारखंड के सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए ये जो सींच रहे हैं अपनी शक्ति से, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। महावीर सामीदा एक इकलौते ऐसे माटी चित्रकार हैं जो घर परिवार बाल बच्चे को छोड़कर लगातार पिछले 2 सालों से लगे हुए हैं और ये चित्रों के माध्यम से पूरे झारखंड के जन जन को पहुंचाने के लिए लगातार संकल्पित हैं। दादा से मैं पहले बात करवाऊंगा, मिलवाऊंगा और मैं जानने का प्रयास करूंगा कि ऐसे क्या परिस्थिति बन गई जो सभी लोग अपने आजीविका के लिए धन संपत्ति जमा करने के लिए लगे हुए हैं पर महावीर सामीदा एक ऐसे हैं जो पूरे झारखंड की संस्कृति सभ्यता को जगा रहे हैं। दादा मैं चाहूंगा आपसे मैं दो बात करने के लिए आप कैमरे के सामने आए। दादा सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। झारखंड नव निर्माण चैनल का दादा तहे दिल से धन्यवाद, कहा कि आप डुमरी से चल के आए धनबाद ऐसे क्षेत्र में, तो तहे दिल से धन्यवाद आभार। दादा पिछले 2 सालों से लगातार आप झारखंड के कला सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए अपने चित्रों के माध्यम से लगातार लगे हुए हैं, क्या ऐसा आपको जुनून है, क्या ऐसा पीड़ा है, क्या ऐसा दर्द है जिसके वजह से घर परिवार बाल बच्चे सबको त्याग करके बड़े अभी ऐसे लोग हैं जहाँ पे धन संपत्ति बैंक बैलेंस को बचाने के लिए लगातार जमा करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और एक लौते आप ऐसे शख्स हैं जो झारखंड के सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए लगे हुए, क्या ऐसा दर्द आपको ऐसा फील हुआ? हाँ बिल्कुल, मैं कला क्षेत्र से हूँ तो मेरा जो कला है या मेरा तो जीवन है वो राज्य के प्रति समर्पण है। समर्पित इसलिए मैं किया हूँ चूँकि भोजपुरी में कहीं लगने के बाद कहीं ना कहीं आंतरिक दुखी हूँ, चोटिल हूँ, कि अब मैं किनसे लड़ता फाइट तो नहीं कर सकता हूँ किसी से। फिर मुझे लगा कि क्यों ना क्यों मतलब झारखंड की संस्कृति को लोक कला के रूप में एक कला से क्रांति का रूप दिया जाए तो लोग उसको स्वीकार भी कर रहे हैं, एक गति भी मिल रहा है, एक अच्छा भी लग रहा है। और ख़ास करके मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि ये घर परिवार अपना जीवन यापन छोड़ के झारखंड के सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए लगे हुए हैं, तो आप लोगों से एक विनती है कि आप एक सिपाही बनकर झारखंड के सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए आप भी अहम योगदान दे सकते हैं और दादा को आप लोग सपोर्ट करिए। दादा का चैनल है उसको भी आप लोग सपोर्ट करिए, देखिए, क्योंकि दादा का सपना हमेशा रहा है झारखंड की सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए। तो आपका सपोर्ट, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद अगर दादा पर बने रहेगा तो लगातार झारखंड के इस सभ्यता संस्कृति को लगातार वो बचाने में जुटे रहेंगे। दादा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि झारखंड की राजनीति में एक बड़ा हलचल देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं आंदोलन राजनीति रूप ले लिया, आप भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, इस राजनीतिक हलचल को आप आगे बढ़ाने के लिए कितना सफल मान रहे हैं अपने आप को? हाँ बिल्कुल, हम लोग तो देखिए राज के लिए राज के प्रति हम लोग समर्पित कर चुके हैं। एक तरफ टाइगर जयराम दा अनेकों जनसभा से लोगों को जागरूक किए हैं और मैं भी अपना कला के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। आज कहीं ना कहीं एक संतुलन स्थिति में है पूरे राज्य और जितने भी 4 पार्टी हैं
उन लोग को मैंने झारखंड से मुक्त करने का समय आ गया है। और अभी जो भी बयानबाजी सामने आ रहे हैं, आज कहीं ना कहीं उन लोग मानसिक स्थिति, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, क्योंकि ये जो भीड़ और ये जो आंदोलन और इतने जो झारखंडी जनमानस का उमड़ा जनसैलाब, कहीं ना कहीं एक गवाह मिल रहा है कि आने वाला दिन में एक नव झारखंड का निर्माण होगा। इतने यहाँ के जो लोग, इतने भयावह स्थिति पैदा हो गई है उन लोगों के जहन में कि लगातार उलूल जुलूल बयानबाजी कर रहे हैं। कुछ टूट पूंजिए लोग झारखंड की सभ्यता संस्कृति से टकराने की कोशिश कर रहे हैं और ऑन कैमरा आके ये दे रहे हैं कि नहीं भैया यहाँ से आइए, यहाँ से आइए, यहाँ से लड़िए। क्या कहेंगे ऐसे टूट पूंजिए लोगों को? देखिए, मैं तो कला क्षेत्र से हूँ और झारखंड की संस्कृति सभ्यता से अगर कोई भी अगर खिलवाड़ करेगा तो सबसे पहले तो हम बता रहे हैं उठा उठा के पहले पटकेंगे हम। काहे कि झारखंड की संस्कृति सभ्यता, झारखंड मेरा मातृभूमि है, इसी राज्य में मैं जन्म लिया हूँ। पहली प्राथमिकता होगा कि झारखंड में झारखंड की संस्कृति चलेगा, ना कि प्रवासी संस्कृति। करम परब अन्य राज्य में नहीं होता है, टूसू परब अन्य राज्य में नहीं होता है, भक्ता परब अन्य राज्य में नहीं होता है, नटवा नाच नहीं होता है, तो फिर अन्य राज्य की परब संस्कृति झारखंड में क्यों बड़े बड़े हॉर्डिंग और फ्लैश लगेंगे? कहीं ना कहीं जूते चप्पल से मानने का समय आ गया है, क्योंकि आप यदि चौक चौराहे में यदि प्रवासी संस्कृति का फ्लैश बोर्ड लगाते हैं तो मेरे ख्याल से ये सब एक रोग होना चाहिए नियम कानून के अनुसार, क्योंकि इस राज्य का गरिमा पे चोट पहुंच रहा है। आपको बड़े बड़े होर्डिंग फ्लैश लगाने हैं तो झारखंड की संस्कृति के लगाइए, क्योंकि कोई भी आएंगे जाएंगे तो उसमें झारखंड की एक माटी की महक झलकेगी, ना कि अन्य राज्यों की। हर संस्कृति का एक अपना रिस्पेक्ट है, सम्मान करते हैं, लेकिन झारखंड में सिर्फ झारखंड की संस्कृति चलेगा, ना कि प्रवासी। लगातार झारखंड के जो लोग उलूल जुलूल बोल रहे हैं, झारखंड में रह रहे हैं, एक तो बाहरी आके यहाँ पे झारखंड में रह रहे हैं, यहाँ के कमाते हैं, यहाँ के खाते हैं, सारा कुछ यहीं करना है, फिर भी आके यहाँ उल्टा पुल्टा बयानबाजी दे रहे हैं, उन लोगों को क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, वो बयानबाजी दे रहे हैं कहीं ना कहीं पागल हो चुके हैं। हम लोग का जो एकता सामूहिकता, देखिए वो तो बोकारो क्षेत्र से आते हैं, मानव श्रृंखला वो अभी तक उनको हजम नहीं हुआ होगा, तो आज कहीं ना कहीं उसको एक डर है कि अब हम लोग टिकने वाले नहीं हैं, तो चलिए आंदोलन को फीका करने के लिए, कम करने के लिए इस तरह का मैंने पागलों जैसा हरकत जैसा एक बयानबाजी कर रहे हैं। इतना अनपढ़ गवार मैंने झारखंड में इस संस्कृति को धूमिल कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। किसी के बाप का राज है क्या झारखंड में कि कोई भी लैंग्वेज को घुसा देंगे आप सरकारी दस्तावेज में? झारखंड है, सिर्फ झारखंड की कला संस्कृति का उत्थान होना चाहिए, ना कि प्रवासी के लिए। आप कर रहे हैं तो अपना चार दीवारी रूम के अंदर कीजिए, ना कि खुले जगह में कर सकते हैं। क्या कि झारखंड की गरिमा में चोट पहुंच रहा है ना, झारखंड का संस्कृति पे एक आँच आ रहा है, तो हम लोग अपने राज्य की संस्कृति को बचाएंगे ना, तो बस उसी में आंदोलन और कंटिन्यू हम लोग काम कर रहे हैं। दादा, मैं आपसे एक अंतिम सवाल ये लेना चाहता हूँ कि 2024 की तैयारी को किस रूप में आप लोग देख रहे हैं? हाँ बिल्कुल, 2024 नव झारखंड निर्माण होने जा रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इसमें JBKSS की अगुवाई में टोटल कुमारे युवाओं का सरकार होगा, और ये जो आंदोलन, ये जो लड़ाई है माय माटी भाषा संस्कृति सभ्यता, ये पूरे राज परिवार के लिए आखिरी लड़ाई होगी। इसके बाद कोई भी किन्हीं के लिए लड़ेगा नहीं, क्योंकि दो साल में यदि झारखंडी नहीं जागे हैं तो मेरे ख्याल से ये आखिरी आंदोलन होगा। अभी भी समय है, जो भी 2024 आने से एक दूसरे से मिल जाइए सभी एक परिवार के रूप में, और अपना यहाँ का जल जंगल जमीन संस्कृति प्रकृति सब मिला के हम लोग संरक्षित रखें, क्योंकि आने वाला दिन में नहीं तो हम लोग का जो बेटा नाती होगा वो कहीं ना कहीं कटोरी लेके भीख मांगेंगे। तो ये माय माटी की लड़ाई है, आज कहीं ना कहीं जो अब तक की जो चार पार्टियां जो अपने 20 पीढ़ियों के लिए रोटियां सेकती आई है, कहीं ना कहीं उन सबको चप्पल जूता पहनाने का समय आ गया 2024 में। यदि वो लोग किसी गांव जाते हैं तो चप्पल जूता का माला रेडी रखिए। पहला बात, हम कला क्षेत्र से तो हम कला संस्कृति की बात करते हैं कि 23 सालों में कला संस्कृति का आर्ट स्कूल आर्ट कॉलेज क्यों नहीं खुला, शहीदों का संग्रहालय क्यों नहीं बना, यहाँ जो नटवा नाच है वैसे जो एक्सपर्ट हैं बुजुर्ग उन लोगों को सरकार तरफ से प्रोत्साहन राशि क्यों नहीं मिलता, राज्य के जितने भी चित्रकार संगीतकार हैं उन लोग को सरकार के तरफ से, वैसे कलाकार जो 60 वर्ष से ज़्यादा वायु के हैं उनको सरकारी सुविधा क्यों नहीं मिलती, पेंशन वगैरह। राज्य के धरोहर क्या है, JMM BJP ISU कांग्रेस की राज्य के धरोहर भाषा संस्कृति सभ्यता है, बताइए। तो यहाँ तो 23 वर्षों से सिर्फ नेता विकसित किए हैं, कला संस्कृति सभ्यता पूर्णता धूमिल हो गए हैं। उसी के एग्जाम्पल देखिए, पूरा सिस्टम मिलके धनबाद बोकारो में भोजपुरी में गए लगा दिया। अरे आपको आप लोग को विधायक बना के हम लोग रांची भेजते हैं यहाँ के कल्चर संस्कृति को बर्बाद करने के लिए। मैंने इतना भी मैंने बैल नेता झारखंडी नेता जितने बैल गधा सुअर कुत्ता मैं
आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। इन लोग को मैंने इतने दोगले नेता है कि इन लोग का मैंने झारखंड मुक्त करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक भी अगर नेता जे एम एम बीजेपी एस यू कांग्रेस से जीता है ना तो झारखंड की पूरा संस्कृति बर्बाद कर देगा। तो ये आप देख रहे थे हमारे माटी चित्रकार महावीर स्वामी दा का। दादा आपने समय दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से झारखंड के धरोहर को ये बचाने में लगे हुए हैं। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये जो फोटो देख रहे हैं, झारखंड के 12 माह से 13 पर्व ये कहानी है। लोग कहते आते हैं कि झारखंड में 12 माह से 13 पर्व चलता है और यहाँ पे करम पर्व का ये जो चित्र है बना रहे हैं। और मैं आपको आगे दिखाने का प्रयास करूंगा इधर कि इधर आप देखेंगे झारखंड के 24 जिलों को ये दर्शाने का प्रयास कर रहा है, एकजुटता को दिखाने के लिए। ये जो सुंदर चित्र है झारखंड के मानचित्र का, जो 24 जिला है, और इसी के ऊपर में हमारे विनोद बिहारी महतो जी का प्रतिमा लगा हुआ है, और इसी के प्रतिमा के वजह से इस चौक का नाम विनोद चौक भी रखा गया है। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि झारखंड के जो कल्चर है हमारा हाल बैल, देखिए यहाँ पे बैलगाड़ी का यहाँ चित्र बनाया गया है। इससे ये पता चल रहा है कि झारखंड के जो लोग हैं खेती किसानी करते हैं, और जो धान होता है, जो भी हम लोग खेती से रिलेटेड हैं, तो बैलगाड़ी का ही इस्तेमाल करते थे। तो ये आप लोग झारखंड के कला सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए महावीर स्वामी दा लगातार लगे हुए हैं। मैं चाहूँगा आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि महावीर स्वामी दा को आप हमेशा सपोर्ट करिए, क्योंकि इकलौते एक ऐसे माटी चित्रकार हैं जो झारखंड के सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए लगे हुए हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और जरूर शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।